नमस्कार। ई ऑफिस के इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक जानकारी जो हमारे पास एक टर्म्स आती हैं फाइल्स के संबंध में उसके बारे में बहुत शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपके सामने ये तीन टर्म्स आएंगी तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप रिलेट कर लोगे। आपके आज के फिजिकल जो फाइल्स हमारे यहाँ मूवमेंट होती है तो वहाँ पे भी ये एक्चुअली सिनेरियो होता है, उसी सिनेरियो में देखिएगा तो ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक फाइल में ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो टाइप ऑफ फाइल्स में अगर आप कॉमनली अगर आप सुनेंगे आगे अपने जब आप ई फाइल्स पे काम करेंगे या आप कोई डॉक्यूमेंट रेफर करेंगे या ट्रेनिंग में अटेंड करेंगे तो आपको सुनने में आएगा तीन तरह की फाइल्स के बारे में, ओपन, क्लोज्ड और रनिंग, तीन होते हैं। तो हम एक एक करके तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको सबसे पहले मैं जान पूछ कर आपको क्लोज्ड फाइल के बारे में बताऊंगा। तो क्लोज्ड लिख लेता हूँ पहले मैं कि टाइप्स ऑफ फाइल्स में हमारी पहली टाइप है क्लोज्ड। क्लोज फाइल्स क्या है कि भाई हमारे कार्यालय में या किसी भी कार्यालय में जब हम कोई फाइल्स चलती है जिस भी पर्पस से वो चलती है, जब उसका फाइनल डिस्पोजल हो जाता है यानी जिस चीज़ के लिए उसको हमने हायर अथॉरिटी को भेजा था, हायर अथॉरिटी से अप्रूवल हो गया, वो काम हो गया, अगर वो फाइनेंशियल रिलेटेड है, पेमेंट हो गई और उसका काम हो गया, तो उन ऐसी फाइलों को हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं और उस क्लोज फाइल को हम ले जाकर अपने ऑफिस की अलमीरा में रख देते हैं। फाइल्स तो हमारी जनरली सारी अलमीरा में रहती है, पर जनरली क्या होता है जो फाइल्स हमारा काम चलता रहता है वो फाइल्स हमारी टेबल पे होती है, राइट। आप उस सिनेरियो में देखिएगा तो जो फाइल्स आप कभी अपने ऑफिस में जब आप आते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कार्यालय होते हैं जहाँ रिकॉर्ड्स वगैरह रखे होते हैं, तो वहाँ पे कभी काफ़ी ऐतिहासिक फाइलें बहुत पुराने वर्षों की भी होती है, तो ऐसी फाइलों को हम क्लोज्ड फाइल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। दूसरी फाइल हमारी जो होती है वो मैं आपको बताता हूँ, रनिंग। रनिंग फाइल जैसे नाम से लग रहा है जो चल रही है, जो अभी वर्तमान में जिसपे काम हो रहा है, तो रनिंग फाइल्स में हमको देखिए मतलब हो सकता है वो आज आपके आपके टेबल पर हो सकता है उस पर आपने कोई प्रपोजल रखा हो उस फाइल पर और अभी आपने उसको हायर अथॉरिटी को भेजा हो, तो वो हायर अथॉरिटी कोई भी हो सकते हैं, उनके पास वो फाइल हो, उन्होंने अभी उन्होंने कोई डिसीजन ना लिया हो या डिसीजन ले लिया हो फिर आपके पास भेजा हो कि इसमें ऐसा करना है या उन्होंने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, कुल मिलाकर उस पर कम्युनिकेशन अभी जारी है, आप भी कुछ उसके नोटशीट में लिख रहे हैं, कोई अटैचमेंट लगा रहे हैं, आपकी हायर अथॉरिटी उस पर कोई डिसीजन दे रहे हैं, उसको अप्रूव कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इस तरह की यानी वो प्रक्रियाधीन है, उस पर स्टिल काम हो रहा है, उस पर फाइनल उस फाइल का क्लोजिंग नहीं हुई है, तो वो रनिंग फाइल कहलाती है। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। जो क्लोज्ड और रनिंग मैंने जानबूझ कर पहले लिया है, और अब मैं थर्ड जो फाइल कैटेगरी की है उसका नाम है ओपन। तो ओपन और रनिंग में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि रनिंग का जैसे मैंने आपको बताया कि वर्तमान में उस पर काम हो रहा है यानी उस पर डिसीजन लिए जा रहे हैं, उस पर कोई ना कोई राइटिंग वर्क हो रहा है, उसका प्रपोजल या रिजेक्शन हो रहा है। ओपन फाइल क्या होता है, कई बार आप अपने कार्यालय में देखेंगे ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि जहाँ पर ऐसा होता है, जैसे मैं आपको अगर कलेक्ट्रेट के सेटअप में बताऊँ, ऐसा ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी ऑफिसेज में होता होगा, सारे डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता होगा कि कई बार कलेक्ट्रेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को भी कई चीज़ों पर डिसीजन लेने का पावर नहीं होता है, तो वो ऐसे केसेस में उनको कहीं ना कहीं से मतलब कहना चाहिए गाइडेंस लेना पड़ता है, जिसको हिंदी में जनरली भाषा में बोलते हैं कि मार्गदर्शन लेते हैं। वो मार्गदर्शन कैसे लेते हैं कि वो गवर्नमेंट को लेटर भेजते हैं कि ऐसा ऐसा केस हमारे पास आया है पर इसके संबंध में हमको मार्गदर्शन दीजिए, तो फिर गवर्नमेंट उस संबंध में यानी वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वहाँ के हायर अथॉरिटीज, जैसे मैं अपने स्टेट लेवल पे बताऊँ तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो भोपाल वो लेटर जाएगा और भोपाल से उनको कोई डायरेक्शन आएगा कि ऐसा किया जा सकता है या ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में जो मार्गदर्शन मांगते हैं तो वो फाइल उतने समय के लिए, जितने समय के लिए मार्गदर्शन नहीं आया है, वो ओपन स्टेटस में रहती है, क्योंकि ना तो उस पर अभी कोई कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं अपने यहाँ पर, अपने लोकल लेवल पे हम ना कोई कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, लेकिन वो फाइनली उस पर काम भी खत्म नहीं हुआ है तो हम उसको क्लोज भी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी फाइल्स को ओपन फाइल बोलते हैं। तो जब डिजिटाइजेशन की बात हो रही थी तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये बात बताया था कि पर्टिकुलरली हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो डिसीजन पहले हुआ था कि हमें कौन सी फाइल्स का डिजिटाइजेशन करना है, तो ये हुआ था कि जो फाइल्स रनिंग स्टेटस में है और जो फाइल्स ओपन स्टेटस में है वही फाइल्स का हम स्कैनिंग करेंगे, और क्लोज फाइल को स्कैन करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि फिर वो क्योंकि उस पर हमें काम ही नहीं करना है तो क्यों हम स्कैन करके उस पर टाइम वेस्ट करेंगे। एक वो अलग प्रक्रिया है कि आप उसको स्कैन करके एक एज अ रिकॉर्ड कहीं कीप कर लीजिए, कहीं रख लीजिए ताकि एज अ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो जाएगा तो वो सेफ हो जाएगा, फ्यूचर में रिफर किया जाता है, पर
ई फाइल्स पे काम करने के हिसाब से जल्दी आपको इस पे मूव करने के लिए रनिंग और ओपन फाइल्स की स्कैनिंग का डिसीजन हुआ था। तो कुल मिला के ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि ओपन, रनिंग और क्लोज में क्या अंतर है। क्लोज में तो कहीं कोई डाउट नहीं रहता है, रनिंग और ओपन में डाउट आ जाता है। ओपन वाला आपको अब क्लियर हो गया होगा कि वो फाइल क्लोज नहीं है, वो फाइल में अभी वर्तमान में कोई कम्युनिकेशन अभी हमारे लोकल लेवल पे तो नहीं हो पा रहा, पर किसी ना किसी कारणवश हम अभी उस पर रुके हुए हैं, हम उसको प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ओपन होगा। और अदरवाइज जो थर्ड कैटेगरी है रनिंग, वो तो मैंने बता ही दिया, उस पर अभी काम चल रहा है, हम उस पर डिसीजन ले रहे हैं, उस पर अभी कुछ ना कुछ रेफरेंसिंग चल रही है। तो ये टाइप्स ऑफ फाइल्स तीन तरह के हैं जो आपको सुनने में आते होंगे। मुझे लगा कि इसको कवर कर लेते हैं, तो ये छोटा सा पॉइंट चूंकि मेरे नोटिस में आया था कि ये रह गया है, तो इसको हमने यहाँ पे देख लिया है। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।